चुभती चलती गर्मी का मौसम आया। हे भगवान, एक तो इतनी धूप हो रही है कि आंखें भी नहीं खुल रही, और ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी कि कपड़े भी चुभ रहे हैं मुझे तो। और एक तो मेरे घर वाले एक से बढ़कर एक महान है, इतनी धूप में इतनी गर्मी में मुझे सब्जियां लेने भेज दिया। अच्छा हुआ मैं कपड़े फुल पहन के आई, वरना तो मेरी पूरी स्किन ही काली हो जाती। बुम, 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 बुम। और ये स्वाति की बच्ची आराम से मजे में एसी में बैठी होगी। वो चुड़ैल तो चाहती है कि मैं धूप में काली हो जाऊं, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो आराम से मजे में एसी में बैठी हुई है। आज की बात ना, मैं कभी नहीं आऊंगी, आज ये सामान ले जाके रख देती हूँ। मम्मी को साफ साफ बोल दूंगी कि मैं नहीं जाऊंगी, इस चुड़ैल को भेजो सामान लेने। ये लो मम्मी, पकड़ो अपनी सब्जियां, और मैं आपको बता रही हूँ आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी बाहर धूप में। अरे आपको क्या पता इतनी ज्यादा धूप हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। अरे अभी ये हाल है तो मई जून के महीने में तो क्या ही हाल होगा। और ये भी तो बैठी हुई है महारानी की तरह 16 पे एसी करके, ये भी तो बाहर सामान लेने जा सकती है। नहीं, मेरा नाम लिखा है क्या हमेशा मैं ही जाऊंगी धूप में बाहर सामान लेने। घर में घुसी नहीं और चप्पड़ 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 शुरू कर दी। अरे मम्मी, मैं धूप में बाहर सामान लेने जाती हूँ, इससे मेरी स्किन काली हो जाती है, मुझे टैनिंग हो जाती है। अरे मैं धूप में जाऊंगी, मैं काली हो जाऊंगी, मेरी क्यूटनेस, मेरी ब्यूटनेस सब खराब हो जाएगी मम्मी। और अगर मैं काली वाली हो गई, कल को मेरे से शादी कौन करेगा? अरे ओ वाह दीदी वाह, आप तो बड़े चंटो, आपको अपनी शादी की पड़ी है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं काली हो गई, तो मुझसे शादी कौन करेगा? तू ना थोड़ा कम बोला कर, तू अभी छोटी है, तेरी शादी को ना अभी बहुत टाइम है, तेरे से मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी पहले होगी, तेरी शादी बाद में होगी। अच्छा आप बड़ा एल एल बी कर रहे हो, बस 2 ही साल तो बड़े हो मुझसे। तू ना चुप हो जा, बहुत हो रहा है तेरा। मम्मी इसको बोलो ना चुप हो जाए, और मुझे नहीं पता सामान लेने आज के बाद यही जाएगी। अरे दीदी मैं नहीं जाऊंगी सामान लेने, मैं बच्ची हूँ ना, मुझे हिसाब किताब करना कहाँ आता है। अच्छा और ये जो सारा दिन किताबें लेके बैठी होती है, क्यों नहीं होता हिसाब किताब तुझसे, पढ़ना लिखना नहीं आता? चुप चुप हो जाओ तुम दोनों, मैंने 2 औलाद पैदा की दोनों निकम्मी है। बेटा तुम कोई काम मत करो, आराम से 16 पेसी करके बैठो, क्योंकि बिजली का बिल तो तुम्हारा बाप भरेगा। अब मैं बाहर जाऊंगी, सारा सामान भी लाऊंगी, और घर का भी काम मैं ही करूंगी, और तुम्हें बड़े बड़े पकवान भी बना के खिलाऊंगी। बदतमीज। वाह दीदी वाह, व्हाट अ नाइस आइडिया, मम्मी ने अभी जस्ट बाहर का एसी बंद किया है और आपने आके रूम का एसी चला लिया। आप रुको मैं ना अभी मम्मी को बताती हूँ। अरे नहीं 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 स्वाति, यार देख मम्मी को मत बता प्लीज। क्यों ना बताऊँ, मम्मी का डायलॉग नहीं सुना, बिजली का बिल कौन भरेगा? अरे यार स्वाति प्लीज तू मम्मी को मत बताना, वरना चिक 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 करके मेरा पूरा सर खा जाएंगी, और वैसे ही मैं गर्मी से इतनी चिड़चिड़ी हो रही हूँ। और तू टेंशन मत ले, बिजली का बिल इस बार मैं भर दूंगी। अच्छा बिजली का बिल आप भरोगे? आपके पास कहाँ से आ गए इतने पैसे, ना तो आप कोई जॉब करते हो और ना ही आपका कोई रिच बॉयफ्रेंड है। इधर मैं बताती हूँ, देख कुछ महीने पहले ना मैंने ओलम ट्रेड में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे वहां से प्रॉफिट मिला है, तो तू टेंशन मत ले मैं भर दूंगी बिजली का बिल। अच्छा अब ये ओलम ट्रेड क्या है, आप किस ऐप की बात कर रहे हो, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अरे यार ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, इसमें ना हम पहले कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। आपको ऐसे किसी भी ऐप पे ट्रस्ट हो जाता है? अरे यार स्वाति ये कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है, ये ना बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऐप है, और ये इंटरनेशनल ब्रोकर है जो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है 194 कंट्रीज में 2014 से। इस ऐप ने पैसे इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट अर्न करना इतना इजी बना दिया है कि मेरे को इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ना स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फॉलो करनी थी, और वैसे भी ये तो बहुत कूल ऐप है, मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को ट्राई करनी चाहिए। अच्छा
दीदी मुझे भी ना ये ऐप ट्राई करनी है, लग तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, लेकिन मेरे को ना ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझे इस ऐप के बारे में बता दोगे तो मैं भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूंगी। अरे यार स्वाति तू टेंशन मत ले, ये बहुत ही इजी है। पहले ना मुझे भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, पर ओलम ट्रेड इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के बारे में, और यहाँ तक कि 24/7 सपोर्ट सर्विस रहेगी डाउट्स के लिए। अच्छा दीदी मैं भी चेक करती हूँ। अच्छा रुक, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, तू उससे डाउनलोड कर, इससे तुझे 100K मिलेंगे तेरे डेमो अकाउंट में 10K के बजाय, और तू मेरा कोड भी यूज कर सकती है सिब्बू, और तुझे 30% और गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलेंगे तेरे फर्स्ट डिपॉजिट पर। वाओ दीदी अब तो मैं पक्का यूज करूंगी, और अब टेंशन मत लो, मैं ना मम्मी को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपने AC ऑन किया है। थैंक यू। शिट यार अब लाइट चली गई। हाँ शिप्रा बोल। यार सिब्बू कल से हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, अब बता इस समर वेकेशन पे कहाँ जा रही है घूमने, क्या सोचा है तूने? अबे यार तू पागल वागल है क्या, बाहर देख कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में मैं कहाँ जाऊंगी बाहर घूमने। चल एक बार को रिस्क ले भी लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरे घर वाले मुझे बाहर घूमने जाने देंगे? और तुझे अच्छे से पता है कि मेरे घर वाले मुझे कहीं भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देते सिवाय सब्जी लाने के। खैर छोड़ तू बता तेरा क्या प्लान है, तू कहाँ जा रही है घूमने? अरे यार मेरा भी कोई प्लान नहीं है, तभी तो तुझे कॉल किया था कि तेरा कोई प्लान होगा, लेकिन तेरा भी कोई प्लान नहीं है। लगता है इस समर वेकेशन पे घर पे ही बोर होना पड़ेगा। हाँ यार तू ना सही बोल रही है, और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा सुन तू ना एक काम कर, तू ना ऐश्वर्या को फोन मिला, उसका पक्का जरूर कोई प्लान होगा कहीं बाहर जाने का। हाँ यार सिब्बू ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसके पास ना जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। तू रुक मैं अभी उसे कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ। हे क्यूटीज कैसे हो तुम दोनों? तू क्यूटीज को साइड में रख, पहले तू ये बता तेरा वेकेशन का क्या प्लान है, कहाँ जा रही है तू घूमने? कोई प्लान नहीं है यार, बस घर में बैठे बैठे बॉटल्स भर भर के फ्रिज में रखती रहती हूँ, और पूरा दिन घर में बैठे बैठे दीवारों पे छिपकलियां ही देखती रहती हूँ, कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे। तुम दोनों बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो घूमने? यार हमारा भी यही हाल है, बिल्कुल तेरे जैसा, कहीं नहीं जा रहे हम घूमने। अरे सुनो 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 यार, क्यों ना हम तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं, और हम तीनों चलते हैं कहीं घूमने, क्या बोलते हो बताओ? हम तीनों? अरे नहीं यार तुझे अच्छे से पता है ना मेरे घर वाले मुझे अकेले सिर्फ मार्केट भेजते हैं, वो भी सिर्फ सब्जियां लेने। अरे यार सिब्बू घर वालों को थोड़ा मक्खन लगा, उन्हें थोड़ा पटा, थोड़ी नौटंकी वोटंकी कर यार, तू तो वैसे भी ड्रामा क्वीन है। हाँ यार ये सही बोल रही है, चल ना बनाते हैं कहीं घूमने का प्लान। यार देख मेरे तो आने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों बस प्लान बनाओ, मैं तो अपने घर से आ ही जाऊंगी, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होते रहो, ऊपर से पापा घर पे होते हैं, दिन में बस एक बार AC चलाने देते हैं यार। चल ठीक है यार मैं ट्राई करती हूँ, पर ये तो बता हम तीनों जाएंगे कहाँ? वैसे भी बाहर इतनी धूप है, घर में ही रहना सेफ है यार, और वैसे भी यार अगर मैं बाहर जाऊंगी धूप में काली हो जाऊंगी तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? अबे यार कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी टैनिंग होती है, उसके लिए दही और नींबू लगा लियो, सब ठीक हो जाना है। अच्छा चल ठीक है, पर जाएंगे कहाँ और इतनी गर्मी में हम जा कहाँ सकते हैं? वाटर पार्क? क्या? हाँ हाँ वाटर पार्क चलते हैं यार, कितना मजा आएगा यार, फिर तो कितना मजा आएगा ना। चल ठीक है मैं ना अपने घर वालों को थोड़ा पटाती हूँ, मक्खन लगाती हूँ, फिर बात करती हूँ। अब तो कुछ भी हो जाए कैसे भी करके बस एक बार मम्मी को पटा लूँ ना, फिर तो वाटर पार्क में मजे ही मजे। यस मम्मी मम्मी, मम्मी यार कहाँ गई मम्मी? मम्मी ये 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 ये
मम्मी कहाँ गई है? मम्मी तो मार्केट गई है। अरे मम्मी आप बाहर गए थे, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। हाँ मैं मार्केट गई थी सामान लेने। आप बाहर सामान लेने गए थे मेरे होते हुए? अरे मम्मी एक बार मुझे आवाज लगा देते, मैं सामान ले आती। अरे मैं किस दिन काम आऊंगी, सारा दिन घर में वेले पड़ी रहती हूँ। देखो आप धूप में खामा खा सामान लेने चले गए। अच्छा दीदी अभी तो आप बोल रहे थे कि धूप में जाओगे तो आपकी क्यूटनेस ब्यूटनेस खराब हो जाएगी, आप काले हो जाओगे, अब क्या हो गया? अच्छा वो, अरे मम्मी वो छोड़ो ना, रात गई बात गई। काम बोल। अरे मम्मी ये क्या, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश हूँ? अगर मुझे कोई काम होगा मैं तभी आपकी हेल्प करूंगी, आपके मैं कितनी हेल्प करती हूँ। हाँ हाँ बेटा मेरी औलाद है, मुझे सब पता है, काम बोल। मम्मी वो ना मेरी फ्रेंड का फोन आया था, वो लोग ना पिकनिक पे जा रहे हैं और वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊं, पर मम्मी मेरा जाने का मन नहीं था, मैंने मना कर दिया। पर मम्मी फिर वो ना बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी, मम्मी अब मैं ज्यादा मना करूंगी तो वो नाराज हो जाएगी और आपको तो पता ही है ना वो मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है, और हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। तो मम्मी आपसे परमिशन चाहिए थी, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा बेटा मुझे तो लगा ही था दाल में ना जरूर कुछ काला है। चुप हो जा तू। अच्छा अब तेरी स्किन काली नहीं होगी, और तेरी शादी कैसे होगी? शादी? अरे मम्मी मेरी शादी में तो अभी बहुत टाइम है, और वैसे भी मैं तो अभी बच्ची हूँ ना, मैं तो अभी स्कूल में हूँ, शादी के बारे में कौन सोचता है। अच्छा अभी तो मार्केट जाने के नाम पे आपकी जान निकल रही थी, अब घूमने के नाम पे आपकी क्यूटनेस व्यूटनेस खराब नहीं होगी? अब नहीं होगी आप काले? अरे मम्मी तो फिर मैं सनस्क्रीन लगा लूंगी ना, बस प्लीज आप मुझे घूमने जाने दो। मम्मी प्लीज 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 आप जो बोलोगी मैं वो सब काम करूंगी, मैं आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी, मैं घर का सारा काम करूंगी, बस प्लीज मम्मी मुझे जाने दो, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, तेरे को पता है ना इस मामले में तेरे पापा कितने सख्त है, तेरे साथ साथ वो मुझे भी सुनाएंगे। अरे मम्मी क्या है, प्लीज आप पापा को मना लेना ना, और सिर्फ सुबह से शाम तक की तो बात है, मैं सुबह जाऊंगी शाम को पक्का आ जाऊंगी, प्लीज मम्मी जाने दो। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तेरे पापा के आने से पहले घर आ जाइयो। हाँ मम्मी पक्का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही किया ना हमने, सुबह सुबह आ गए, अब फुल डे एंजॉय करेंगे। आइडिया किसका था? चलो यार मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वाव यार कितनी सही लोकेशन है ये, पूल देख कितना मस्त है। हाँ हाँ चल ना पहले पूल में चलते हैं, डुबकियां मारेंगे। पहले बैग रख दे कहीं पे। अरे लॉकर रूम होगा ना वहां रखते हैं। हाँ ठीक है बाय। चल यार पानी में डुबकियां मारते हैं, देख कितना ठंडा पानी है और पानी तो ब्लू ब्लू भी है, आइस ब्लू है पानी 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 पानी। अरे 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 मैडम जी कहाँ जा रहे हो आप तीनों? भैया हम पानी में जा रहे हैं पूल में, आप कौन? मैं कौन? आई एम छोटा ओनर, यू नो छोटा ओनर, वन बिग ओनर, आई एम छोटा ओनर, आई एम वेरी रिस्पेक्टेड, इनसाइड गोइंग नॉट अलाउड। अरे भैया ऐसे क्यों नहीं अलाउ, देखो सब जा रहे हैं पानी में तो हम क्यों नहीं जा सकते, और हमने तो टिकट भी ली है। अरे मैडम जी मेरा मतलब आपको पहले 50 रुपए की ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हम इस कॉस्ट्यूम में नहीं जा सकते, हमें कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल। अरे भैया तू ये पकड़ यार, अभी दिखाती हूँ भैया को। भैया ये देखो ना सही तो है कॉस्ट्यूम, चलो गर्ल्स। वाह सही है यार तू तो बड़ी चंट है, बड़ी तेज है तू तो है। चल सिब्बू हम चेंज करके आते हैं, चल। हाँ फेंको इसे। पागल है क्या तू, गिरा दिया मेरे को। आ जाओ मैडम जी। हटो भैया। अरे आ जाओ। अरे हटो ना, हटो। अच्छा चलो आ जाओ। आजा।
सोच रही है आना पूल में? अरे यार मेरा ना पानी में आने का बहुत मन है, लेकिन मैंने सुना है कि ये पूल वाले पानी में ना कोई केमिकल डालते हैं, तभी इसका कलर ना ब्लू होता है और उससे स्किन खराब हो जाती है। अबे यार कैसी बात करती है यार, पूरी दुनिया नहाती है पूल में, चल नीचे फटाफट। यार फिर भी मैंने सुना है ना कि इस पानी में ना लोग सुसु भी कर देते हैं। वो लोग ना तेरे जैसे ही होते होंगे जो पूल में सुसु करते होंगे, पागल कहीं की। चल नीचे आ, इसको ना खींचना पड़ेगा। हाँ दीदी, यहाँ तो बहुत सारी राइडिंग है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो गुल। अबे ओ बत्ती गुल, तेरे को बोला था ना वहाँ जाके झाड़ू पोछा लगा ले, क्या कर रहे हैं? अबे यार भैया ये तो काम मेरा है ना। अबे नहीं है तेरी जॉब, चल आज से मेरी जॉब है, चल 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 जा यहाँ से। हाँ जी मैडम बताओ। भैया आप हमें बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी राइड चल रही है? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ ना आपको, आओ 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 जल्दी आओ। थोड़ा संभाल के सीढ़ियाँ। मैडम ये राइड इतनी अच्छी है ना, आप इस पे बैठोगे आपको क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा, आपको जन्नत की सैर हो जाएगी मैडम। क्या? अरे मेरा मतलब है बहुत मजा आएगा, यू विल हैव फन मैडम, कम ऑन कम ऑन, जल्दी आओ जल्दी आओ। आ जाओ ना मैडम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, वेलकम। आप दोनों उधर ही बैठेंगी, आ जाओ आ जाओ। रहती है, छुई मुई कहीं की, बैठ जा। अरे मैडम कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा, अभी रुको। अरे चलाओ भाई चलाओ, झूला चलाओ चलाओ चलाओ।
राइड है, देखना बिल्कुल भी नहीं चल रही। पता नहीं यार, वो भैया ने तो बोला था कि चलेगी। ये खड़े हैं भैया जन्नत की सैर करवाने वाले। अरे मैम, ये झूलों का तो आपको पता ही है, रिपेयरिंग मांगते ही रहते हैं। वो तो काफी टाइम से चला नहीं, तो आप लोग आए तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी सैर करवा देता हूँ। पर कोई बात नहीं, आपको नई राइड दिखाता हूँ, इससे भी अच्छी, आ जाइए। क्या भैया, मूड खराब कर दिया। तो मैडम, ये है हमारे यहाँ का सबसे थ्रिलिंग झूला। इस पे एक बार आप बैठोगे ना तो ये ऊपर शू नीचे, ऊपर शू नीचे। अगर आप इस पे एक बार बैठ गए ना, आपको जन्नत की सैर हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। ऐश्वर्या चल ना, चल झूलते हैं, सच में बहुत मजा आएगा। चल नहीं, नहीं, चल, नहीं, 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 मैं अपने पापा की इकलौती परी हूँ, मुझे नहीं उड़ना है झूले पे। मैं चल करें यार। चल कोई बात नहीं, वो दही और नींबू का लेप लगा लेंगे और डीटैन करा लेंगे यार, चिल करो ना। अरे यार क्या तू भी, चलो ग्रुप सेल्फी लेते हैं फिर। मम्मी दीदी ना यही आई है, मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुना था कि घर से फुल फुल कपड़े पहन के आएंगे और यहाँ आके छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे। और अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो खुद ही चल के देख लो। अरे इतना बड़ा वाटर पार्क है, कहाँ ढूंढेंगे सिब्बू को। मम्मी उनसे जाके पूछते दीदी कहाँ है। अरे कैसे बच्चे हैं ये, कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। वैसे गलती इनकी भी नहीं है, इनके माँ बाप की गलती है, पता नहीं कैसे परमिशन दे देते हैं। चलो मम्मी। अरे बेटा तुमने किसी लड़की को देखा है, सुंदर सी गोरी सी, उसका नाम सिब्बू है। वो यही आए थे अपने दोस्तों के साथ। यार मैं मतलब इतनी काली हो गई कि मेरी खुद की माँ मुझे नहीं पहचान पा रही है। हाँ आंटी देखा है ना, वो गोरी सी लड़की है ना। हाँ हाँ वो वहाँ पे आंटी, वहाँ पे। ठीक है बेटा। अरे मम्मी वहाँ क्यों जाना है, आप फोन करो ना दीदी को, फोन करके देखो क्यों घूमना है फालतू में। करो करो। सिब्बू तू देखा मम्मी, मैंने तो बोला ही था दाल में ना जरूर कुछ काला है। यहाँ दाल काली नहीं है, मेरी औलाद ही काली है। रुक जा तू। मम्मी पकड़ लिया
तेरे को मैं बताऊंगी, बाहर निकल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइज, ओलम ट्रेड आपके सपने को गोल्स में बदलता है और उसे अचीव करने में आपकी मदद भी करता है, तो चलो हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करो और रजिस्टर करो लिंक को यूज करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टॉप कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको 100K भी मिलेंगे 10K के बजाय अपने डेमो अकाउंट में। आप मेरा प्रोमो कोड यूज करो, आपको 30% बोनस और गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलेंगे अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो बाय बाय क्यूटीज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।